हुकूमत का पाकिस्तान स्टील के 9,350 मुलाजिम फारिग करने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असगर हयात। हम नाज़रीन, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जब हमारे लीडरान अपोजिशन में होते हैं उनकी बातें कुछ और होती हैं, उनके अकवाल कुछ और होते हैं, वो कुछ और कह रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो उनकी बातें भी तब्दील हो जाती हैं, उनके अकवाल भी तब्दील हो जाते हैं, उनका तर्ज अमल भी तब्दील हो जाता है। वो उन्हीं चीज़ों पर अमल करना शुरू कर देते हैं जिन पर वो हुकूमतें अमल कर रही होती हैं। मौजूदा हुकूमत की एक अहम शख्सियत, बड़े अहम अहदे पर ये फायज़ हैं, ये क्या कहा करते थे जब ये अपोजिशन में थे, क्या कहा करते थे, इनके अकवाल क्या थे, इनकी तकरीर क्या थी, पहले हम आपको वो सुनाते हैं फिर इस पर बात करते हैं। रिकॉर्ड कर रहे तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ, कैसा तुम्हें तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। अगर तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती है, स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। आपने तकरीर देखी, स्टील मिल्स के मुलाजमीन के साथ ये तकरीर थी जब अपोजिशन में थे, स्टील मिल्स के मुलाजमीन धरना दिए हुए थे, असद उमर वहां गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड कर लें, अगर मैं इस चीज से पीछे हटूं तो आप मुझे दिखाइएगा और शर्मिंदा कीजिएगा। क्यों असद उमर साहब, अब आपने जो स्टील मिल के तकरीबन 10,000 मुलाजमीन है उनको आपने फारग कर दिया है, और आप ये कहा करते थे कि हम किसी को मुलाजमत से फारग नहीं करेंगे, आप ये कहा करते थे कि मैं स्टील मिल्स के मुलाजमीन के साथ खड़ा होऊंगा, तो आप कहा करते थे कि ये क्लिप मेरा रिकॉर्ड कर लें, अगर मैं अपने बात से पीछे हटूं तो मुझे दिखाइएगा, मुझे शर्मिंदा कीजिएगा। असद उमर साहब, क्या आपको शर्म आ रही है? क्या आपने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और आपने आके स्टील मिल के मुलाजमीन को जो है वो फारग कर दिया? ये बात दुरुस्त है कि स्टील मिल जो है वो सफेद हाथी है, लेकिन अगर मुलाजमीन को फारग करना ही हल था तो माजी की हुकूमतें भी ये कर सकती थी, ये कर रही थी। आपने आकर क्या नया किया इस एक कौमी अदारे को, जिसको दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है? आपने उन तमाम मुलाजमीन को जो साला साल से जब ये अदारा प्रॉफिट में था वो खिदमात अंजाम दे रहे थे, तमाम टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स थे, तमाम टेक्निकल अमला था, तमाम मुलाजमीन जो हैं आपने उनको फारग कर दिया है, और आप ये कहा करते थे कि मैं मुलाजमीन के साथ खड़ा होऊंगा और मुझे ये दिखा के शर्मिंदा कीजिएगा। आज आपके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। दूसरी चीज़ जो है वो हम लॉकडाउन पे बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, जो जब भी लॉकडाउन की बात हुई उन्होंने कहा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, फिर हमने ये देखा कि ईद से चंद रोज़ पहले जो है वो ताजरों ने क्योंकि फंड्स दिए वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में चंद करोड़ रुपए दे दिए, तो ताजरों के हाथों हुकूमत ब्लैकमेल हो गई और बड़ी तादाद में, जिस तरह राजा बाजार के आपने मनासिर देखे, लाहौर की मार्केटों के आपने मनासिर देखे, इस्लामाबाद की मार्केटों के आपने मनासिर देखे, पीट पीट कर हम ये कह रहे थे कि ये आप ना करें, ये ईद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी कहा कि ये ईद जो है वो आपकी मातम में तब्दील हो जाएगी, लेकिन आपने मार्केटें खोलने की इजाज़त दी, आपने मार्केटों को आप इजाज़त दी काम करने की, और ताजरों के दबाव में आप आ गए। अब आप दोबारा जो है वो मार्केटें बंद करने का ऐलान कर रहे हैं, अब बड़ी मार्केटें आप दोबारा बंद कर रहे हैं। ये किस किस्म का लॉकडाउन है कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इन्फेक्टेड हुए? ईद के दौरान आपने ईद की शॉपिंग की इजाज़त दी जब लोग चीख चीख के कह रहे थे कि खुदारा ये लॉकडाउन कर दीजिए, और रमज़ान का महीना बड़ा ज़बरदस्त आपके पास, आपकी हुकूमत के पास मौका था कि रमज़ान के महीने में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उस तरह की नहीं होती, क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज़ सरकारी दफातर की एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं होती, लोग इबादत में भी मशगूल होते हैं, आप कोशिश करते तो रमज़ान का महीना लॉकडाउन कर सकते थे, आप कोशिश करते तो ईद का एक हफ़्ता जो है वो आप लॉकडाउन का सख्त तरीन लॉकडाउन करके आप लोगों को मिलने से रोक सकते थे, मार्केटों में विज़िट से रोक सकते थे, बग़ैर शॉपिंग के लोग इस दफ़ा ईद कर सकते थे, बग़ैर शॉपिंग के ईद मनाई जा सकती थी, लेकिन आप ताजरों के हाथों ब्लैकमेल हो गए, आपने जो है वो मार्केटें खोलने की इजाज़त दे दी, कुछ बाकी इदारों ने भी काम कर दिखाया। आप कहा करते थे कि अशरफिया ने जो है वो लॉकडाउन नाफिज करवाया, अब कौन लॉकडाउन नाफिज करवा रहा है दोबारा, कौन मार्केटें बंद करवा रहा है? लाखों की तादाद में आपने
पेशेंट्स में इजाफा कर दिया, लाखों की तादाद में मरीज जो है वो बढ़ गए। दोबारा आप कह रहे हैं कि मार्केट्स बंद की जाएंगी, दोबारा आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो सख्त किया जाएगा, तो ये कौन अब आपको कह रहा है? आप तो इस चीज़ के हामी नहीं थे कि लॉकडाउन, आप तो कहते थे कि अशरफिया ने लॉकडाउन करवाया, और अगर लॉकडाउन करना ही था तो ईद से पहले करते ताकि ये लाखों लोग जो है वो मुतासर ना होते हैं।